मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहाता उनके खून से रंगी रंगी हुई टोपी है वो। तो डबल इंजन की सरकार ने महीने में डबल डोज राशन की भी जनता जनार्दन को देने का कार्य किया है। की जोड़ी वही है, एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त हम गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। पूरा गोरखपुर का क्या कुछ कनेक्शन है योगी आदित्यनाथ के साथ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा गोरखनाथ मंदिर के बाहर, क्योंकि यहीं से एक बड़ी तस्वीर निकल कर आगे चलेगी। और आज दिन भर की नामांकन को लेकर सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। मेरे सहयोगी अमित भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और उनका जो ये दौरा है लगातार आगे बढ़ रहा है। कल का भी एक विशेष दिन रहेगा, लेकिन आज क्योंकि नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। हालांकि कहा जा सकता है कि पांच बार सांसद की जो भूमिका उन्होंने 1998, 1999, साल 2004, साल 2009 और 2014 में यहां पर निभाई है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ दिग्गज चेहरे भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे और नामांकन की प्रक्रिया में उनके साथ भी मौजूद होंगे। रथ आगे बढ़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान यूपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ में होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद होंगे और कुछ और बीजेपी के नेता भी बताया जा रहा है मौजूद होंगे। देखिए, ये गोरखनाथ मंदिर है इस वक्त मेरे पीछे, आप इस लहजे से इसको जरूर समझिए, इस तस्वीर को देखिए। महंत से लेकर सांसद तक का सफर और फिर सांसद से लेकर किस तरह से यूपी के सबसे बड़े सिंहासन पर सीएम योगी आदित्यनाथ काबिज हुए, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें काबिज किया गया। और उस वक्त में 2017 में जब कई बीजेपी के बड़े दिग्गज यूपी के सीएम के तौर पर आगे लगातार आ रहे थे, फिर एक नाम आया योगी आदित्यनाथ का, यानी कि यहां गोरखनाथ मंदिर के उस महंत का जिन्होंने राजनीतिक भूमिका यहां पर अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए की और उसके बाद बतौर सीएम वो यहां के सत्ता पर काबिज हुए, जनता का उन्हें विश्वास हासिल हुआ और अब विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ सीटों का जिक्र पहले भी चल रहा था, लेकिन आखिरकार अंतिम मुहर उनके अपने ही गढ़ में लगी। सबसे बड़ा किला बीजेपी का, सबसे हॉट सीट, दिलचस्प सीट, रोचक सीट बन चुकी है गोरखपुर। सभी 9 नामांकन कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी हमारे अधिकारियों को आरओस और एआरओस को प्रशिक्षण करा लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्था की गई है, जिसमें सब कुछ कैमरा के कैद में रहा। मीडिया का प्रबंधन, आवागमन के लिए प्रबंधन, बाकी गाड़ियों के लिए बाहर प्रबंधन, सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती और उनका ब्रीफिंग किया गया है। बिल्कुल, तो ये पूरी तस्वीरें देखिए यहाँ पर इसलिए दिखानी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहा है। कितनी बड़ी तस्वीर आज गोरखपुर की जमीन से निकलकर सामने आने वाली है, इसके लिए मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ में मौजूद है। अमित, सवाल यही कि पिछली बार ही नहीं बल्कि हर बार बीजेपी अपने इस गढ़ को बचाती आई है, जनता का विश्वास जीतती आई है, आज नामांकन की कितनी बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है सामने? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से जब भी चुनाव लड़ते हैं, और बताया ये जा रहा है कि इस बार जो ये विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है और इसका सीधा असर जो है पूर्वांचल के 40 से 42 सीटों पर पड़ने वाला है। यही वजह है कि पार्टी ने फैसला लिया कि गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव लड़ना है। 10 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ यहां से सीधे निकलेंगे, गोरखपुर एयरपोर्ट जाएंगे और गोरखपुर एयरपोर्ट जाएंगे। और मैं यहां पर, मेरे साथ देखिए यहां पर एक सुबह से ही कई लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार जो प्रशंसक हैं, सपोर्टर हैं। क्या कहेंगे आप योगी आदित्यनाथ को? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि योगी बाबा ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। हम दिव्यांग वर्ग से आते हैं,
हमारे कुछ गीत सुना रहे थे वो सुनाई। जी 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 हाँ। हम तुम्हें इतना वोट करेंगे, हम तुम्हें इतना वोट करेंगे के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। ना कोई डरना ना कोई गम, दिल में हमेशा वोट का मौसम। ना कोई डरना ना कोई गम, दिल में हमेशा वोट का मौसम। के सारा विपक्ष रह गया पीछे, योगी अपनाएंगे वोट करेंगे, वोट करेंगे चोट करेंगे, वोट करेंगे चोट करेंगे के लोग हमें। तो इस तरीके से सपोर्टर्स जो है सुबह से ही लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, और बताएं कि 10 बजे के आसपास यहां से योगी आदित्यनाथ यहां से सीधे निकलेंगे। योगी आदित्यनाथ जाएंगे गोरखपुर एयरपोर्ट, जहां पर अमित शाह को रिसीव करेंगे। अमित शाह के साथ सीधे पहुंचेंगे इंटर कॉलेज, वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर 12 बजे के आसपास वो नामांकन करने के लिए जाएंगे। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन भी करना है उनको यहाँ पर अमित शाह के साथ। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहे हैं, और नामांकन के अलावा भी जो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है उस पर नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नामांकन के दौरान प्रस्तावक की भूमिका में आखिर कौन सी बड़ी शख्सियत उनके साथ में नजर आएगी, क्योंकि प्रस्तावक की भी एक अहम भूमिका इसमें होती है, ये एक प्रोसेस होता है। क्या ये पूरी डिटेल है आपके सामने जरूर रखते हैं। नामांकन के वक्त में योगी के प्रस्तावक के तौर पर 4 प्रस्तावकों में से एक गोरखपुर के मशहूर शिक्षाविद मयंकेश्वर पांडे हैं, जो महात्मा गांधी के इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। दूसरे प्रस्तावक सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है, इन्होंने आईआईटी रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग की है। देखिए, ये बीजेपी का एक अभेद किला माना जाता है, जहां पर किसी भी पार्टी का सियासी दांवपेच सब यहां पर आकर खत्म हो जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद जिस पर विशेष तौर पर रहता है, सत्ता उसी के हाथ में आती है। और 1989 के बाद से तो बीजेपी के हाथ में ये गढ़ हमेशा से रहा है, हालांकि कांग्रेस कभी नहीं आ पाई है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 5 बार सांसद की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रहे हैं, और अब पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन को लेकर क्या कुछ ट्वीट किया, वो जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, बताया कि किस तरह से आज गोरखपुर सदर विधानसभा सीट में आकर वो अपना नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे। ट्वीट आपके सामने है। मैं आज अपने गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव 2022 में सहभागिता हेतु नामांकन करूंगा। 9 सीटें गोरखपुर जिले के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से गोरखपुर सदर विधानसभा सीट है, शहरी विधानसभा सीट भी इसे कहा जाता है। पिछली बार का जिक्र करें तो 8 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में गई थी, हालांकि एक पर बीएसपी काबिज जरूर हुई थी। लेकिन ये गढ़ जो है वो बीजेपी का कहा जाता है अभेद किला, इसे बीजेपी के तौर पर जाना जाता है। अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपने कार्यक्रम की पूरी डिटेल यहां पर बताई कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है, तो गोरखनाथ मंदिर से होते हुए आगे किस तरह से ये काफिला बढ़ेगा, एक बार फिर चाहेंगे कि आपके जरिए पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। जी बिल्कुल, 10 बजे गोरखनाथ मंदिर से योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, और 10 बजे निकलने के बाद सीधे जाएंगे गोरखपुर एयरपोर्ट, जहां पर अमित शाह को वो रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद सीधे पहुंचेंगे एमपी इंटर कॉलेज, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करना है। और फिर बताया जा रहा है 12 बजे के आसपास अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एमपी इंटर कॉलेज से वो सीधे निकल कर जाएंगे नामांकन कलेक्ट्रेट दफ्तर, जहां पर वो नामांकन दायर करेंगे। नामांकन दायर करने के बाद उसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास वापस यहां पर गोरखनाथ मंदिर यहां पर पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और यहां पर दर्शन करेंगे अमित शाह। उसके बाद यहीं पर वो प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल रैली है, बताया जा रहा है कि यहीं से उसमें शामिल होंगे। जैसे उसके बाद प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल रैली खत्म होगी, खत्म होने के बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, उसके बाद आखिर में क्लब हाउस जाएंगे, क्लब हाउस में भी कार्यक्रम है, और फिर क्लब हाउस से ही शाम। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास, पूरी डिटेल आप के जरिए यहाँ पर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही 5 बार सांसद की भूमिका में नजर आए हों, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेहद हॉट सीट इस वक्त गोरखपुर की बन चुकी है, गढ़ हमेशा से ये बीजेपी का कहलाया जाता रहा है। एक ऐसी किलेबंदी यहाँ पर बीजेपी के जरिए की जाती रही है वहां पर। अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और खुद इस वक्त
हम और मेरे जो सहयोगी अमित है वो यहाँ पर मौजूद है, पूजा अर्चना गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खास कनेक्शन है, देखिए समझिए 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से BSc की पढ़ाई उन्होंने यहाँ पर की और उसके बाद रुख किया गोरखपुर की तरफ, जहाँ पर महंत अवैद्यनाथ से उनका संपर्क हुआ, उनसे दीक्षा यहाँ पर ली, सन्यासी यहाँ पर बने। बेहद उनके व्यक्तित्व से CM योगी आदित्यनाथ भी प्रभावित थे, वो भी प्रभावित थे और शायद यही वजह रही कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना। गोरखनाथ मंदिर के महंत के तौर पर उन्होंने अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी शख्सियत को चुना तो वो थे योगी आदित्यनाथ। और उसके 4 साल बाद उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। लोकसभा में पहली बार अगर कोई सबसे छोटी उम्र में सांसद गया तो वो थे योगी आदित्यनाथ। 1998 का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 ये वो वक्त रहे जब 5 बार सांसद की भूमिका में योगी आदित्यनाथ नजर आए। गोरखनाथ मंदिर से उनका एक खास लगाव है, खास कनेक्शन है, यहाँ के महंत है। किस तरह से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत पौड़ी गढ़वाल से करते हुए वो गोरखनाथ मंदिर में यहाँ पर आए और अभी फिलहाल पूजा अर्चना करती हुई उनकी ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। जब भी आते हैं यहीं परिसर में विश्राम करते हैं, यहीं पर अपना वक्त बिताते हैं, वक्त को लेकर पूरी पाबंदी नजर आती है। सुबह सुबह ही उठ जाते हैं, गौशाला में जो है वो चारा खिलाते नजर आते हैं, मंदिर परिसर में सभी संत महात्माओं के साथ में उठते बैठते वक्त बिताते यहां पर नजर आते हैं। तो CM योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखिए यहां पर कुछ इस तरह से सामने आ रही है। ये कनेक्शन यहां पर जानना भी बेहद जरूरी था, बताना भी बेहद जरूरी था क्योंकि गोरखनाथ मंदिर वही मंदिर है जहां से उन्होंने अपने धार्मिक तौर पर शुरुआत तो की, एक महंत के तौर पर, एक योगी के तौर पर, उसके बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी जब महंत अवैद्यनाथ के जरिए उन्हें बना दिया गया तो लोकसभा में पहुंचे और फिर सिलसिला देखिए किस तरह से 1998 से लेकर 2017 तक जारी रहा और अब विधानसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोकते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जिसमें पूरी प्रक्रिया के तहत आज नामांकन की तस्वीर भी नजर आएगी और तमाम दिग्गज देखिए उनके साथ मौजूद भी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे यहां पर गोरखपुर एयरपोर्ट और उसके बाद यहां पर मेल मिलाप होगा, संवाद होगा, डोर टू डोर कैंपेन भी नजर आएगा, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, मतदाता जागरूक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए, जोश भरते हुए, जनता से संपर्क साधते हुए बताते हुए भी नजर आएंगे। तो पूरा ये कार्यक्रम आज का यहां पर रहने वाला है, जैसे कि मेरे सहयोगी अमित भी यहां पर हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये जरूर जानकारी दे देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये प्रथम चरण में तो नहीं है, जी नहीं, ये छठे चरण में यहां पर मतदान होगा, यानी कि 3 मार्च इसकी तारीख यहां पर तय की गई है। अमित शाह के अलावा ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे, कुछ और भी बीजेपी के बड़े चेहरे इस दौरान नजर आ सकते हैं जिन पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन गोरखनाथ मंदिर का जिक्र करना एक बार फिर से बता देती हूं क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि महंत अवैद्यनाथ जो है उनके पर्क में जब योगी आदित्यनाथ आए तो किस तरह से वो उनकी शख्सियत से प्रभावित हुए और उसके बाद धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित उनके जरिए किया गया था। ये कहानी भी आपको जरूर बताएंगे, बेहद दिलचस्प है। लेकिन एक बार फिर से मेरे सहयोगी अमित की तरफ रुख करते हैं। अमित, सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन योगी आदित्यनाथ के लिए भी खास है, गोरखपुर की जनता के लिए भी खास है, सांसद के तौर पर तो उन्होंने हमेशा से ही अपनाया है, अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे और 3 मार्च की जो तैयारी है उसकी नामांकन की तस्वीर आज सबसे बड़े तौर पर आएगी। देखिए, सबसे पहले तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये नॉमिनेशन योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दायर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड लोग जो है अंदर कलेक्टोरेट दफ्तर में जाएंगे और खास तौर से कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, इसी वजह से जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा तादाद में यहाँ पर मंदिर के आसपास नहीं पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल ध्यान में यहाँ पर रखा जा रहा है। दूसरी बात बताऊं कि जो योगी आदित्यनाथ है वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का मतलब है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सीधे पूर्वांचल के 40 से 42 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ने वाला है। एक तो यहाँ के जो जितने भी पड़ोसी जिले हैं, चाहे वो कुशीनगर हो, हम मऊ ले लें, गाजीपुर ले लें, अब उन तमाम जिलों के जो विधानसभा सीट हैं वहाँ पर सीधे असर इसका पड़ने वाला है। और बताएं कि जब योगी आदित्यनाथ इस मठ में होते हैं तो उनको उनका दर्शन करने बिल्कुल, और
आपने जिस तरह से यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले जायजा लिया वो भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए मेरे सहयोगी अमित सिंह की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करेंगे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे जब नामांकन के दौरान। और मैं इस वक्त मौजूद हूं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर और मैं तस्वीरों के जरिए आपको गोरखनाथ मंदिर यहां पर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए गोरखनाथ मंदिर, यहीं पर पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलेंगे अमित शाह को रिसीव करने के लिए। अमित शाह को रिसीव गोरखपुर एयरपोर्ट पर करेंगे 10:30 बजे, यानी 10 बजे के आसपास गोरखनाथ मंदिर से योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। उसके बाद सीधे गोरखपुर एयरपोर्ट जाएंगे, अमित शाह को रिसीव करेंगे और दोनों अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे एमपी इंटर कॉलेज, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और मैं एक तस्वीर आपको यहां पर आसपास दिखाऊं तो देखिए सुबह से ही यहां पर लगातार जमावड़ा लगा हुआ है, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं सुबह से। यहां पर देख सकते हैं तमाम सिख समाज के यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप कहां से आए हैं? मैं बॉम्बे से आया हूं, लखनऊ मेरा ऑफिस है। अभी मैं ये फिल्म बना रहा हूं कर्म योगी, अभी नामांकन के लिए आया हूँ, सपोर्ट के लिए आया हूँ। सपोर्ट के लिए आए? बॉम्बे से आप सीधे आए हुए हैं? बॉम्बे से सीधे आए हुए योगी जी के सपोर्ट के लिए। तो काफी ज्यादा तादाद में आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं काफी ज्यादा तादाद में। तो उसके बाद डोर टू डोर आज कैंपेन भी करेंगे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। और बताया जा रहा है कि गोरखपुर के सीट से योगी आदित्यनाथ के लड़ने से सीधे फायदे पूर्वांचल के 40 से 42 सीटों पर पड़ता है।